हाँ देखिए बेटा, ग्रोथ ऑफ आइस ऑन द लेक, ठीक है। तो रियल सिचुएशन तो ये वाली है, जैसे आइस की ग्रोथ होती है, बट मैं आपसे ऐसे ही पूछ रहा हूँ। मान लो कोई लिक्विड है, ठीक है, और उससे आप लगातार उसकी लेटेंट हीट दे रखी है 80 जूल पर ग्राम दे रखी है आपको, ठीक है, और आप उससे कॉन्स्टेंटली 2 जूल पर सेकेंड हीट रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, तो 5 सेकेंड में कितना लिक्विड जम जाएगा बताओ। मान लिया लिक्विड अपने फ्रीजिंग टेम्परेचर पर ही है, ठीक है, लिक्विड का जो टेम्परेचर है वो फ्रीजिंग टेम्परेचर पर ही है लिक्विड अपने, तो 5 सेकेंड में आप लिख सकते हो, अज्यूम लिक्विड इज एट मेल्टिंग फ्रीजिंग पॉइंट, अज्यूम लिक्विड इज एट इट्स फ्रीजिंग टेम्परेचर। जैसे अगर वाटर लोगे तो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। अज्यूम लिक्विड इज एट इट्स फ्रीजिंग टेम्परेचर, जैसे वाटर आपने लिया तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और 80 जूल। जल्दी से बताइए ध्रुव, क्या आंसर होगा आपका, कितना जम जाएगा 5 सेकंड में। टू जूल पर सेकंड निकाल रहे हैं हम, तो अमाउंट ऑफ हीट रिमूव्ड कितनी होगी। पार्ट थ्री आप कर पा रहे हैं बेटा फर्स्ट क्वेश्चन? बताइए पार्थी फर्स्ट क्वेश्चन। अरे आवाज आ रही है मेरी कि नहीं आ रही? आज बहुत दिक्कत हो रही है जून में, पता नहीं 2 बजे वाली क्लास में अपने आप ही बच्चे आधे चले गए, आधे बच्चे कुछ ऐसा हुआ था। आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी कि नहीं आ रही है ना? हाँ तो धर्मांश आप बताइए फर्स्ट का आंसर क्या होगा। आप पर सेकेंड 2 जूल हटा रहे हैं, तो 5 सेकेंड में कितनी हटा लेंगे? 2 × 5 = 10 जूल, ठीक है, 5 सेकेंड में इतनी हीट हटा लेंगे आप 10 जूल। अगर 2 जूल पर सेकेंड से आप हटा रहे हैं, तो 5 सेकेंड में 10 जूल ही तो हटा लेंगे, तो कितना जम जाएगा? वाटर फ्रीजिंग टेम्परेचर पर है, 10 जूल हीट हटा ली, कितना जमेगा? अरे कोई बोलो। पॉइंट 125। लेट एम ग्राम फ्रीजेस, तो हाँ बिल्कुल, m × 80 किसके बराबर हो जाएगा? 10 के बराबर हो जाएगा, तो m कितना आएगा, 1/8 ग्राम या 0.125 ग्राम, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा अगर कांस्टेंट रेट रिमूवल हो रहा है। बट आपका जो प्रैक्टिकल सिचुएशन है, जैसे ये वाली है कि वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, बाहर टेम्परेचर पहुंच गया -θ डिग्री सेंटीग्रेड, फाइंड आउट टाइम टेकन इन ग्रोइंग द थिकनेस कैपिटल आई ऑफ आइस ऑन वाटर सरफेस। बहुत ही कॉमन और अच्छा क्वेश्चन है। कंसीडर कंटेनर इज वेल इंसुलेटेड एंड इज ओपन टू एटमोसफियर, की और कहीं से हीट नहीं निकल सकती, जितनी हीट निकलेगी यहाँ से निकलेगी, ठीक है, और बाहर का टेम्परेचर -θ हो गया, तो लिक्विड पहले किस पर आएगा? ये वाटर 0 पर आएगा, फिर जमना शुरू कर देगा, ठीक है, पहले ये 0 पे आएगा, फिर जमना शुरू कर देगा, फिर इससे हीट ट्रांसफर होगी अंदर से भी, जो भी बर्फ जमती जाएगी। अब आपको पता है बर्फ जम के ऊपर ही रहेगी, ये अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना, ये हम ऑलरेडी थर्मल एक्सपेंशन में डिस्कस कर चुके हैं कि बर्फ जम के भी ऊपर ही तैरती रहेगी, अंदर डूबेगी नहीं, तो किसी टाइम पर, तो केवल वाटर के लिए ऐसा कर सकते हैं, बाकी किसी में एप्लीकेबल नहीं है एनालिसिस, क्योंकि उनके तो बर्फ जम के वो नीचे जाता रहेगा और ऊपर आता रहेगा अंदर वाला, तो इस तरह पूरा ही बर्फ जम जाएगा, ठीक है। बट वाटर में क्या होगा, पहले आपकी लेयर जमेगी आइस की, कुछ जम गई मान लो किसी टाइम तक, वाई थिकनेस आइस की डिपॉजिट होगी, ठीक है ना, इसके बाद डी वाई थिकनेस डिपॉजिट होने में कितनी हीट उसको देनी पड़ेगी ये बताओ। वाई तक जम गई, उसके बाद डी वाई थिकनेस में कितनी हीट इससे निकालनी पड़ेगी, ठीक है, तो वो देखो, लेट लेट डी वाई गेट्स डिपोजिट इन डी टी टाइम, लेट डी वाई गेट्स डिपोजिटेड या गेट्स फ्रीज्ड डिपोजिटेड इन टाइम डी टी। सुन ले एक बार ध्यान से, बिल्कुल बेसिक चीज है, ठीक है ना, हमने मान लिया कि वाई इंस्टेंट के बाद डी वाई, ओहो एक सेकेंड कंडीशन,
ओ यार क्या करा है मैंने। देखो बेटा आप सही है क्या? लेट डी वाई गेट्स डिपोजिटेड। ओके बेटा, लेट डी वाई गेट डिपोजिटेड इन टाइम डी टी। लेट डी वाई गेट्स डिपोजिटेड इन टाइम डी टी में डी वाई थिकनेस डिपोजिट हो गई, ठीक है? तो कितनी हीट निकालनी पड़ेगी? डेल्टा क्यू रिमूव्ड, अगर डी वाई थिकनेस जमी है तो आपको कितनी हीट रिमूव करनी पड़ेगी, कौन बताएगा ये? डी एम इंटू एल करनी पड़ेगी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लेते हैं ए है, ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है? तो ये डी एम कितना हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ आपकी इसमें डी एम थिकनेस डिपोजिट हुई है और डेंसिटी किसकी थी, डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है? तो कितना मास पानी का जम गया वो आप पानी का मास लेंगे इसमें, रो इंटू ए इंटू डी वाई। अगर एम ग्राम वाटर को फ्रीज करना है तो आपको एम इंटू एल हीट निकालनी पड़ती है, तो मास रो क्या है यहाँ पे, डेंसिटी ऑफ वाटर है ध्यान में, इंटू एल ये आ जाएगा। डेल्टा क्यू रिमूव, इसमें दिक्कत नहीं किसी को, डी वाई थिकनेस जम रही डी टी टाइम में, तो आप किस रेट से, जब यहाँ पर वाई थिकनेस हो गई तो बाहर जाने की रेट क्या है, डी क्यू बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ हीट रिमूवल कितनी है, तो बता सकता है रेट ऑफ हीट रिमूवल किसी ने अगर घर जाके गलती से कंडक्शन देख लिया हो, जो मैंने पढ़ाया था उसके नोट्स गलती से सामने आ गए हो, कॉपी गिर गई हो कहीं से आपके सामने, रेट ऑफ हीट रिमूवल, रेट ऑफ हीट रिमूवल कितना है, डी क्यू बाई डी टी बताओ। नहीं दोबारा पास आके बोलो बेटा माइक के। बिल्कुल एकदम सही बोला है कि आपका टेम्परेचर डिफरेंस ये कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, बाहर कितना है, -θ डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है? तो यहाँ से यहाँ तक हीट ट्रांसफर की रेट क्या होगी, टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा थीटा अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस। डेल्टा थीटा तो थीटा हो गया, ठीक है? और थर्मल रेजिस्टेंस एल बाई के, तो वाई अपॉन के क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आइस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, के ए थीटा अपॉन वाई, ये रेट ऑफ हीट रिमूवल है, ठीक है? तो हीट रिमूव्ड इन डी टी टाइम कितनी हो जाएगी, इसके बराबर हो जाएगी, ठीक है ना? इतनी जम गई है तो हीट रिमूव्ड, ये तो रेट हो गई, इंटू डी टी टाइम इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, रो वाटर इंटू ए इंटू डी वाई इंटू लेटेंट हीट। देखो आप एरिया कट जाएगा यहाँ से, ठीक है? और आपका ये डी टी इधर रख लो, बाकी सब उधर ले जाओ चाहे से। डो डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन एल इंटू के इंटू थीटा कॉन्स्टेंट वाई डी वाई, कहाँ से कहाँ तक डिपॉजिट करनी है, 0 से लेकर आई तक। जी पहले बिल्कुल नहीं थी, आई थिकनेस में टाइम पूछा है, तो आपका जो आंसर है डेल्टा टी कितना टाइम लगेगा वो आ जाएगा रो एल आई स्क्वायर अपॉन के थीटा इंटू टू, ये आ जाएगा रो एल आई स्क्वायर अपॉन 2 के थीटा। यहाँ भी लिख देता हूँ टाइम कितना आ गया, रो एल डेंसिटी ऑफ वाटर है ध्यान रखें, और ये थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आइस है 2 के, रो एल आई स्क्वायर अपॉन 2 के थीटा विल बी टाइम टेकन इन डिपोजिटिंग आई थिकनेस ऑफ द आइस ऑन द वाटर। देखिए इस एनालिसिस में किसी को डाउट तो नहीं है, किस तरीके से मैंने बोला कि वाई डिस्टेंस पे मान लो डी वाई जम गई, तो डी वाई के जमने में कितनी हीट निकालनी पड़ेगी, मास इंटू लेटेंट हीट। तो मास कितना है, डी वाई थिकनेस का इतना है, मान लो डी टी टाइम में जमी, तो वाई थिकनेस पर बाहर निकलने की हीट की रेट क्या होगी, टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाई थर्मल रेजिस्टेंस। टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, 0 माइनस थीटा, तो थीटा टेम्परेचर डिफरेंस हो गया, डिवाइडेड बाय थर्मल रेजिस्टेंस की डेफिनेशन पता है, लेंथ अपॉन थर्मल कंडक्टिविटी इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो उस वजह से मैंने रेट ऑफ हीट रिमूवल लिख लिया। अब डी टी टाइम में कितनी हीट रहेगी, इतनी है, किसके बराबर होनी चाहिए, अगर डीएम मास जम रहा है तो ये जो आपने निकाला डीएम मास के जमने के लिए हीट रिमूव जितनी चाहिए आपको, जितना आपको रिमूव करना पड़ेगा बस। तो आपने अब इसको इंटीग्रेट कर लिया, वाई की वैल्यू 0 से आई तक वेरी कर रही है, टाइम 0 से टी तक वेरी कर रहा है,
इतना टाइम लगेगा आई थिकनेस की लेयर, आई थिकनेस बर्फ की डिपॉजिट होने में वाटर पे, अगर बाहर का टेम्परेचर -थीटा डिग्री सेंटीग्रेड है तो।